नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट नेक्स्ट में। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 राउंड के लिए सभी 8 टीमें जो है वो तय हो गई हैं, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीम सुपर 8 में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाई और USA और अफगानिस्तान की टीम अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करने में सफल रही। सुपर 8 के लिए जिन टीमों ने क्वालिफाई किया वो हैं इंडिया, USA, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। सुपर 8 में टीमों को 4-4 के दो ग्रुप में बांटा गया है। सुपर 8 में हर ग्रुप के टॉप 2 पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और ग्रुप में जो टीमें हैं, ग्रुप 1 में जो है वो भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया हैं और ग्रुप 2 में जो है वो है USA, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। वहीं अगर हम बात करें जो टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हुई हैं उन टीमों की जर्नी की, तो ग्रुप ए में थी इंडिया, USA, पाकिस्तान, कनाडा और आयरलैंड। इस ग्रुप में से इंडिया और USA ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया और टीम इंडिया का जो पहला मैच था वो आयरलैंड के साथ था, जो टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत लिया। इंडिया ने अपना दूसरा मैच पाकिस्तान से था, जो 6 रनों से जीता इंडिया की टीम, और तीसरा मैच USA से 7 विकेट से जीता, और आखिरी मैच जो था वो कनाडा के साथ था भारत का, और जो बारिश की वजह से नहीं हो पाया। वहीं पर ग्रुप ए से दूसरी टीम जो थी जिसने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया वो थी USA। क्या कमाल का प्रदर्शन जो था वो हमको USA की टीम से देखने को मिला। पहला मैच में कनाडा को 7 विकेट से हराया, दूसरे मैच में पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रनों से हराया, वहीं पर तीसरे मैच में USA की टीम को इंडिया से 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, और लास्ट मैच में अमेरिका ने इंग्लैंड के साथ जो था वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया, इसी वजह से जो था पाकिस्तान की टीम भी बाहर हो गई थी। वहीं ग्रुप बी में जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान जैसी टीम से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में पहले 4 में से 4 मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में ओमान को 39 रन से हराया, दूसरे मैच में इंग्लैंड को 36 रनों से हराया और तीसरे मैच में नामीबिया को 9 विकेट से हराया और आखिरी मैच में स्कॉटलैंड को जो है वो 5 विकेट से हराया, जो है काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी। और ग्रुप बी में दूसरी टीम ने जो इंग्लैंड थी वो जिन्होंने क्वालिफाई किया। इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत बहुत ही बेकार रही, वहीं पर आपको बताया था इंग्लैंड की टीम ने पहला मैच स्कॉटलैंड से बारिश की वजह से जो कि है रद्द हो गया था, दूसरे मैच में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने जो कि है 36 रनों से हराया, फिर तीसरे मैच में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हराया और आखिरी मैच में नामीबिया को 41 रन से हराकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया इंग्लैंड की टीम ने। वहीं पर अगर बात की जाए ग्रुप सी में, जो अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, युगांडा और पपुआ न्यू गुनिया, इन 5 टीमों में से अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया और न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 में नहीं आ पाई। अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में युगांडा को 125 रनों से हराया, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 84 रनों से हराया, तीसरे मैच में पपुआ न्यू गुनिया को 7 विकेट से हराया और अभी अफगानिस्तान का जो आखिरी मैच है वो वेस्ट इंडीज़ से 18 जून को होना है। वहीं पर ग्रुप सी में जो दूसरी टीम है वेस्ट इंडीज़ ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। इस टीम का वर्ल्ड कप का सफ़र जो है वो काफ़ी बढ़िया रहा है अब तक का, और पहला मैच वेस्ट इंडीज़ ने पपुआ न्यू गुनिया को 5 विकेट से हराया, दूसरे मैच में युगांडा को 134 रनों के भारी मार्जिन से हराया, तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 13 रनों से हराया और लास्ट मैच में जो अभी वेस्ट इंडीज़ का अफगानिस्तान के खिलाफ 18 जून को जो है अभी खेला जाना है। और अब बात करें लास्ट ग्रुप डी की, तो ग्रुप में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और नेपाल थी। इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला जो मैच है वो श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, दूसरे मैच में नीदरलैंड को 4 विकेट से हराया, तीसरे मैच में बांग्लादेश को भी 4 रनों से हराया और अपने आखिरी मैच में नेपाल को साउथ अफ्रीका ने जो है 1 रन से हराया। वहीं पर अगर बात करें ग्रुप डी के जो दूसरी टीम थी वहां पे बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया, जिसमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया बांग्लादेश ने, और काफ़ी अच्छा खेली है इस बार बांग्लादेश की टीम, और बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप का जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा है। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच जो है वो श्रीलंका को 2 विकेट से हराया, दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका से 4 रनों से हारी और फिर तीसरे मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रनों से हराया और आखिरी मैच जो था वो बांग्लादेश की टीम का नेपाल से था और वो भी बांग्लादेश ने 21 रनों से जीत लिया। और वहीं पर अगर लास्ट में जाते आते बात करें भारत के सुपर 8 के मैचों के बारे में,
तो टीम इंडिया जो है ग्रुप ए में है, जो उनके मैच होंगे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से जो है वो भारत खेलेगी। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 20 जून को अफगानिस्तान से, 22 जून को बांग्लादेश से और 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम अफगानिस्तान और बांग्लादेश को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को जो है हराया था। वहीं पर अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी जो है राय जरूर दें और हमारे इस क्रिकेट नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।